स्वागत स्वागत सर, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम जी का स्वागत है, स्वागत है, राम जी का स्वागत है, राम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भगवत जी स्वागत है, राम जी का स्वागत है, भगवत जी स्वागत है, राम जी का स्वागत है, राम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी नगर सभी दर्शकों का स्वागत है और इस वक्त हम सोलन से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं और अनुराग ठाकुर का सोलन पहुंचने पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत कर रहे हैं। कोर कमेटी की बैठक में भाग लेने के लिए वो शिमला के लिए जा रहे हैं और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुके हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में किस तरह का जोश इस वक्त देखने को मिल रहा है। अनुराग ठाकुर सोलन में और अनुराग ठाकुर का स्वागत करते हुए आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कार्यकर्ताओं का जोश, आप देख सकते हैं कि किस तरह का जोश इस वक्त देखने को मिल रहा है कार्यकर्ता और आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता एक संदेश भी दे रहे हैं कि उनके हौसले पस्त नहीं हुए और तस्वीर है अनुराग ठाकुर का सोलन पहुंचने पर बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी है। तस्वीरें आप इस वक्त अनुराग ठाकुर का स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दो जगह पर आज स्वागत किया गया है और आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में किस तरह का जोश इस वक्त देखने को मिल रहा है और एक एक कार्यकर्ता से अनुराग ठाकुर यहां पर मिल रहे हैं और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। और तस्वीरें आप जी को जय श्री राम, 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 हमारी शान हमारी भैया जान हमारी, हमारी शान हमारी भैया जान हमारी, जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, अनुराग जी को जय श्री राम। आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं का जोश अनुराग ठाकुर का गर्मजोशी के साथ है यहाँ पर स्वागत। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, स्वागत है भाई, स्वागत है, अनुराग जी का स्वागत है। आप इस तरफ आ जाओ, बाकी आ जाओ, जब आप इस तरफ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, आपके यहाँ मिल जाएगा, आप थोड़ा इधर हो जाओ, आप गलत दिशा से आ रहे हो। ना ना सर, दिशा ही बनाएगा, आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, उधर आ जाओ, आपको बड़ी खतरा है, सारा सामान तो थोड़े पे है, मैं क्या सारा सामान तो तुसी रखे भाई जी, ऊपर करो भाई जी, ऊपर करो सर। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल का गठन हुआ है और उसमें अनुराग ठाकुर को स्थान न मिला, तो उससे हिमाचल प्रदेश का कम से कम कार्यकर्ता निराश है, उम्मीद कर रहे हैं कि संगठन में कोई स्थान मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हिमाचल की ओर से। चारों की चारों सीटें हिमाचल ने जीती और हिमाचल प्रदेश को फिर एक बार बड़ा मंत्र आदरणीय नड्डा जी के रूप में मिला है। नड्डा जी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और नई उम्मीदें जगी हैं बड़े मंत्रालयों के कारण कि यहाँ पर और निवेश आएगा और हमारे बड़े प्रोजेक्ट आएंगे और नड्डा जी के नेतृत्व में हमें यहाँ पर और हिमाचल के विकास को बल मिलेगा जो केंद्र की परियोजनाओं के। सर, यदि हम देखें लोकसभा चुनाव की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा में चारों सीटें जीतने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही है, लेकिन विधानसभा उपचुनाव में कहीं ना कहीं चूक हो गई, तो वो चूक किस उस पे देख रहे हैं? बस आज हम बैठक करने जा रहे हैं,
उसमें चर्चाएं होंगी, आगे की रणनीति तय होगी। यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में अनुराग ठाकुर का नाम आ रहा है? मेरा नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी मिलने की? वो कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, सांसद हूँ और हमीरपुर के सांसद हिमाचल के बेटे के रूप में काम कर रहा हूँ। अनुराग ठाकुर का नाम मंत्रिमंडल में नहीं आया, लोग हिमाचल के मायूस। प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है किसको मंत्री पद लेना है मंत्रिमंडल में, किसको नहीं लेना, और नड्डा जी हमारे सीनियर नेता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमें प्रसन्नता है कि नड्डा जी का नाम बड़े मंत्री के रूप में वहां पर आया है। ठीक है, थैंक यू।